हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई मैंने अपनी गाड़ी पे एंड्रॉइड स्टीरियो लगा रखा है। भाई इस स्टीरियो में एक दिक्कत आ रहा है, हो क्या रहा है गाइस? जैसे कि मान लो मैं अपनी गाड़ी पे ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहा हूँ, जैसे सॉन्ग प्ले करने के लिए, जैसे यहाँ पे ब्लूटूथ दिया, मान लो मैं अगर इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट कर दूंगा ना भाई, तो होगा क्या कि जैसे मैं सामने सीट पे बैठा हूँ ना, अगर मैं सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ ना इस फोन से, तो भाई ठीक है तब तक कोई भी सॉन्ग नहीं फटेगा। लेकिन जैसे मैं अपने फोन को पीछे दे दूंगा ना, जैसे पीछे की सीट पे दे दूंगा पीछे बंदों को, तो भाई उससे होता क्या कि मेरे फोन का जो सिग्नल है काफी ज्यादा वीक हो जाता है। इस कारण ना सॉन्ग वगैरह जो मैं प्ले करता हूँ ना, तो भाई सॉन्ग जो है ढंग से प्ले नहीं होता। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। सो गाइस अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। भाई एक चीज और बता दूं, अभी मेरे गाड़ी पे जो इस फोन से हॉटस्पॉट कनेक्ट है, इसमें जब मैं वाईफाई दे रहा हूँ, लेकिन भाई देख सकते हो वाईफाई का जो सिग्नल देखो कितना ज्यादा कम आ रहा है, सिर्फ दो ही पॉइंट आ रहा है, जबकि इसमें एक्चुअल 5 पॉइंट है। जबकि आप देख लो फोन यहाँ पे रखा हुआ है और एंड्रॉइड स्टीरियो यहाँ पे, भाई मुश्किल से भाई आधे मीटर का भी गैप नहीं है, फिर भी इसमें जो वाईफाई का सिग्नल जो है ना काफी ज्यादा वीक दिखा रहा है। भाई इस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई अपना जो मेन प्रॉब्लम है ना सिग्नल का, वो जो अपने गाड़ी के बैक कैमरा से रिलेटेड है। अगर मान लो मैंने अपने गाड़ी पे जो बैक कैमरा नहीं इंस्टॉल करा रखा है, तो भाई अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई बैक कैमरा से ये सिग्नल प्रॉब्लम का क्या कनेक्शन है, तो भाई तो बहुत बड़ा कनेक्शन है। भाई ये जो है ना बैक कैमरा का कपलर है। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि इस बैक कैमरे के कपलर में आपको जो सिग्नल वायर देखने को मिलता है, अगर आप बैक कैमरा नहीं लगवाते ना, तो जाहिर सी बात है आप ये वाला कपलर भी नहीं लगाओगे। इग्नेस अगर आप ये कपलर नहीं लगाओगे ना, तो इसी से अपने गाड़ी में जो सिग्नल प्रॉब्लम आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बैक कैमरे का कपलर और आप ये जो दो वायर देख रहे हो ना, ये जो है भाई सिग्नल वायर है। पहला जो है जीपीएस का और दूसरा जो है ब्लूटूथ और वाईफाई का है। अगर जब तक आप अपनी गाड़ी पे ये सिग्नल वाला वायर नहीं लगाओगे ना, जो कि आपके कैमरे वाले वायर में लगा हुआ है, तब तक आपकी गाड़ी का जो ब्लूटूथ वगैरह का सिग्नल है ना काफी ज्यादा वीक पकड़ेगा। मान लो मैं अपनी गाड़ी पे अगर वाईफाई भी कनेक्ट करता हूँ ना, तो उसका सिग्नल जो है काफी ज्यादा कम रहता है। अगर मैं ब्लूटूथ भी कनेक्ट करता हूँ ना, तो जैसे मैं गाड़ी के बाहर बस निकलूंगा ना गेट के, तो मेरा गाड़ी का जो ब्लूटूथ होगा ना अपने आप प्ले होना बंद हो जाएगा। तो वैसे अगर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपकी गाड़ी में रिवर्स कैमरा नहीं लगा, तो भाई आप एटलीस्ट जो रिवर्स का कैमरा जो कपलर है ना ये लगा लो। अगर आपको नहीं आता कैसे लगाना है, मैं बताता हूँ। फटाफट से इस फ्रेम को खोलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है। भाई इस फ्रेम को खोलने के लिए आपको जब कुछ नहीं, स्क्रू ड्राइवर से आपको जो है जस्ट इसको ऊपर से उठा देना और ये जो है इजिली बाहर आ जाएगा। तो फटाफट से मैं इसको निकालता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। भाई मैंने अपना एंड्रॉइड स्टीरियो को टोटली बाहर निकाल रखा है। भाई ये सिर्फ 2 मिनट का काम है, आपको बस एंड्रॉइड स्टीरियो बाहर निकालना, ये कपलर को उसकी जगह वापस लगा देना है। तो भाई रिवर्स कैमरा कपलर ना आपको लगाना मैंडेटरी, अगर आप ये कपलर नहीं लगाओगे ना, तो आपको सिग्नल से रिलेटेड काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, चाहे वो वाईफाई का सिग्नल हो, जीपीएस का सिग्नल हो, या ब्लूटूथ का सिग्नल हो। आप अपने गाड़ी से बाहर निकलोगे ना, आपका पूरा सिग्नल जो है डाउन हो जाएगा। तो भाई आपको जो ना इसको लगाना ही है, चाहे कैमरा लगाओ या ना लगाओ। तो भाई यहाँ पे एक कपलर दिया हुआ है अपने स्टीरियो में, वहाँ पे अपने को ये सॉकेट में जो है फिट कर देना। फिट करते ही हमारी गाड़ी का सिग्नल टोटली बूस्ट हो जाएगा ना, आपका ब्लूटूथ से कोई भी अगर आपका दूर जा रहे हो ना गाड़ी से, तो भी आपका गाना जो है बंद नहीं होगा। अगर अपने गाड़ी में हॉटस्पॉट कनेक्ट किया ना, तो भी आपका हॉटस्पॉट सिग्नल जो है वीक नहीं होगा। और अपने गाड़ी पे जीपीएस यूज कर रहे हो ना, मैप्स वगैरह, तो भी आपका गाड़ी का जो है ये सिग्नल वगैरह जो है लॉस नहीं होगा। तो भाई भैया हम लोगों ने सक्सेसफुली लगा लिया। अब क्या करते हैं, फटाफट से इस स्टीरियो को इसके जगह पे लगाते हैं। फटाफट इसको लगाता हूं, फिर मैं आपसे मिलता हूं। सो भाई आज डे 2 है, कल इसको फिट करते ना काफी ज्यादा रात हो गया था, तो मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो भाई हम लोगों ने फाइनली सक्सेसफुली इसमें जो अपना रिवर्स कैमरे का कपलर लगा रखा है। अब मैं आपको सिग्नल स्ट्रेंथ दिखाता हूँ कि एक्चुअल अब कितना आ रहा है। तो भाई मैंने इसमें ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों कनेक्ट करके रख रखा है। अब देखना आप जो ब्लूटूथ का कनेक्शन तो आ ही रहा है, बाकी देखो वाईफाई का कल जो सिग्नल स्ट्रेंथ है ना काफी ज्यादा लो आ रहा था, कम आ रहा था। अब देखो पूरा फुल सिग्नल स्ट्रेंथ में अपना वाईफाई जो है वर्क कर रहा है। कल मैं इसी सेम फोन पे यही पे कनेक्ट करके यही पे ही बैठा था, लेकिन आपको फिर भी आपका जो वाईफाई का जो सिग्नल है काफी ज्यादा लो आ रहा था। लेकिन भाई अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गाइस मैंने इसको एक बार चेक कर लिया है, मैंने इस फोन में ब्लूटूथ कनेक्ट किया था और फोन को जो है मैं टोटली बाहर लेके घूम रहा था। बाहर ले जाने के बाद भी ना गाना जो है बंद नहीं हुआ, सिग्नल जो है ब्रेक नहीं हुआ। तो भाई समझ जाओ कि अगर आपकी गाड़ी में रिवर्स कैमरा नहीं लगा ना, तो एटलीस्ट आपको जो रिवर्स कैमरे का कपलर लगा लेना है। जब तक आप अपनी गाड़ी में रिवर्स कैमरे का कपलर नहीं लगाओगे ना, तब तक आपकी गाड़ी में जो है सिग्नल का प्रॉब्लम रहेगा, जीपीएस का सिग्नल का प्रॉब्लम रहेगा, वाईफाई का सिग्नल का प्रॉब्लम रहेगा, और साथ ही साथ ब्लूटूथ का सिग्नल का प्रॉब्लम रहेगा। तो जब तक आप ये कपलर नहीं लगाओगे ना, ये प्रॉब्लम आपको फेस करना ही पड़ेगा। बेसिकली गाइस बहुत लोग ना ये कपलर नहीं लगाते क्योंकि सोचते हैं कि हमारी गाड़ी में रिवर्स कैमरा नहीं लगा, तो अभी मैं ये कपलर को क्यों लगाऊं। लेकिन भाई थोड़ा सा फंडा अलग है एंड्रॉइड स्टीरियो का। क्या होता है, जब तक उस कपलर में ना दो सिग्नल वायर दिए होते हैं, पहला जो है जीपीएस का रहता है और दूसरा जो अपना वाईफाई का और ब्लूटूथ का रहता है, तो भाई कम से कम वो अपना कपलर लगा लो रिवर्स कैमरे का, भले आप अपने गाड़ी में रिवर्स कैमरा लगाए हो या ना लगाए हो। तो भाई आज की वीडियो में सीते का कोई वीडियो से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको जो इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। और भाई पूरा प्रूफ के साथ देख लो, यहाँ पे जो है वाईफाई सिग्नल जो पूरा बूस्ट हो चुका है, पूरा फुल दिखा रहा है। अब आप सोचोगे कि दूसरे फोन से कनेक्ट, मैं दिखाता हूँ भाई यहाँ पे आईफोन शो कर देता हूँ, आपको देख सकते हो यहाँ पे जो आईफोन शो कर रहा है, मतलब इसी फोन से ही कनेक्ट है ये। तो भाई ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।